हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा, लास्ट हम लोगों ने किंगडम माइकोटा स्टार्ट किया था और फंजाई की हम लोगों ने बेसिक जो सम प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी। आप लोगों ने उसको सीन किया होगा बेटा। आगे हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को मेनली जो डिस्कस करनी है बेटा, वो एक नोट डाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू माइकोटा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फंजाई होती है बेटा, फंजाई की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है। फंगल बॉडी इज नाउन एज द माइसीलियम, और माइसीलियम इज मेड अप बाय द डिफरेंट हाइपा और हाइपी। यही हम लोगों ने वेट की थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइसीलियम आर द सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। आगे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो है आपके कि सेप्टेट माइसीलियम आर फॉलोइंग टाइप्स। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करना आप लोगों को, सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर वन इज आप लोगों के जो नंबर वन है वो कंप्लीट सेप्टा, क्योंकि सेप्टेड माइसीलियम के अंदर क्या होते हैं बेटा, इस तरह से सेप्टाज होते हैं। तो कंप्लीट सेप्टा, कंप्लीट माइसीलियम इज डिफरेंशिएटेड बाय द सेप्टा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंपल सिंपल पोर सेप्टा, यानी इन सेप्टा के अंदर छोटे छोटे इस तरह से हम लोग बात करें बेटा माइनर पोर हो जाएं, तो इट इज नाउन एज द सिंपल पोर सेप्टा। और ये आप लोगों के जो फंगल क्लासेज होती है एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर इस तरह के पोर प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द डोलोपोर सेप्टा, डोलोपोर सेप्टा होते हैं बेटा, यदि इस तरह से आउटग्रोथ कर जाए तो इट इज नाउन इज द डोलोपोर सेप्टा। और ये होते बेटा आप लोगों के बेसिडियो माइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर, बेसिडियो माइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर डोलोपोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट मेंशन करना है। आगे हम लोग बेटा जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो फंजाई होते हैं, ये फंजाई अपनी लाइफ के अंदर लाइफ स्पान की बात करें या लाइफ साइकिल की बात करें, तो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर ये टू स्टेज से गुजरते हैं। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव स्टेज और हाइपा, और सेकंड इज द जनरेटिव स्टेज और हाइपा। क्लियर? तो ये आप लोगों को मेंशन करना है। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के थर्ड कंसेप्ट है बेटा। थर्ड कंसेप्ट में फर्स्ट आप लोगों के यहाँ होलो कार्पिक माइसीलियम, और एक कंसेप्ट आता बेटा आप लोगों के यूकार्पिक माइसीलियम। वन इज द होलोकार्पिक माइसीलियम, सेकंड अदर इज द यूकार्पिक माइसीलियम। व्हाट इज द होलोकार्पिक माइसीलियम की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, फंगल बॉडी की बात कर रहे हैं। होलो का मीन्स होता है कंप्लीट, तो इसके अंदर बेटा क्या होगी, जो माइसीलियम की कंप्लीट जो वेजिटेटिव हाइपा होगा वो जनरेटिव हाइपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट वेजिटेटिव हाइपा और माइसीलियम कन्वर्ट इनटू द जनरेटिव माइसीलियम इज नाउन एज द होलोकार्पिक माइसीलियम। और यूकार्पिक का हिंदी वर्ड होता है बेटा अंश, अंश का मतलब एक सम पार्ट। तो कुछ पार्ट ही
जो वेजिटेटिव माइसीलियम होगा, वेजिटेटिव स्टेट और जनरेटिव स्टेट, तो वेजिटेटिव माइसीलियम का सम पार्ट ही बेटा आप लोगों के जनरेटिव माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। तो दिस टाइप माइसीलियम इज नाउन एज द यूकार्पिक माइसीलियम। तो ये नेक्स्ट है, होलोकार्पिक में कंप्लीट माइसीलियम जनरेटिव माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सम पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव माइसीलियम कन्वर्ट इनटू द जनरेटिव माइसीलियम। क्लियर? तो ये हम लोगों ने नोट के अकाउंट डिस्कस किए हैं। क्लियर? आगे बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज टुडे, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले बेटा आपके अब रिमेनिंग टू फंजाई के अंदर, माइकोटा किंगडम के अंदर टू मेजर टॉपिक रिमेन बचे हैं। फर्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाई और सेकंड अदर द क्लासिफिकेशन। आज टुडे हम लोग जो डिस्कस करने वाले बेटा वो है आप लोगों के रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो नेक्स्ट क्या हेडिंग आप लोग मेंशन करनी है आप लोगों को, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जो फंजाई होते हैं बेटा, इन फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फॉलोइंग थ्री टाइप से होता है, फॉलोइंग थ्री टाइप से कंप्लीट होता है, क्योंकि प्लांट है, फंजाई आर द प्लांट और प्लांट के अंदर थ्री मेथड से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और थर्ड इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड अदर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? फर्स्ट हम लोग यहाँ बेटा डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जनरली हम लोग देखते हैं बेटा कि जो फंजाई होती हैं उन फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फॉलोइंग मेथड कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, सेकंड अदर इज द बाय वर्डिंग और थर्ड इज द वाई फिजन और वाइनरी फिजन। फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड से कंप्लीट होता है, वाय फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट अदर इज द वाय वर्डिंग, नेक्स्ट अदर इज द वाई फिजन और वाइनरी फिजन। क्या होता है बेटा ये वन बाय वन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा वो हम लोग करते हैं वाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेगमेंट इसमें क्या होता है बेटा, जो माइसीलियम होता है, ये सपोज करो माइसीलियम है, ये माइसीलियम क्या होगा, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर, पीसेज के अंदर क्या होगा बेटा, ब्रेकडाउन हो जाता है और वो जो फ्रेगमेंट बने हैं माइसीलियम के, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनसे आगे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी वो जर्मिनेट होंगे और आफ्टर द जर्मिनेशन न्यू माइसीलियम इज जनरेट। क्लियर? तो ये वाई फ्रेगमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट आती है वाई वर्डिंग मेथड। वाई वर्डिंग मेथड की हम लोग बात करते हैं कि जनरली जो आप लोगों के यीस्ट, जो हम लोगों ने मेंशन किया था कि यीस्ट जो आप लोगों के क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, वो सॉरी यूनिसेलुलर फंजाए हैं, उस यूनिसेलुलर फंजाए के अंदर वाई वर्डिंग मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं कि ये बेटा आप लोगों के क्या है, यीस्ट है, यीस्ट है तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म या और प्रोटोप्लाज्म हो गया बेटा, इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब इस यीस्ट के अंदर बेटा एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बनेगी। क्या डेवलप होती है? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है और इट्स प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इज नाउन एज द वर्ड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बेटा आगे
स्मॉल ए प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाता है। इट इज नोन एज द वर्ड। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, ये ग्रो करती है, तो इस तरह से एक लार्ज साइज की वर्ड का या हम लोग देखते हैं इसके ऊपर डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरह से हो गया। ये बर्ड है बेटा, ये वर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, आगे चल के जैसे ही एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ वर्ड, जैसे ही बर्ड पेरेंटल बॉडी से, पेरेंटल जो माइसीलियम है उससे जब सेपरेट होगी, तो उस समय इसके न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिक डिवीजन से डिफरेंशिएट होता है, ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइडेड होगा, डिफरेंशिएट होगा, जिससे ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। वन न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, वन न्यूक्लियस इस बर्ड जो सेपरेटेड बर्ड है उसके अंदर इसके चला जाएगा, जिससे एट लास्ट आफ्टर जर्मिनेशन न्यू माइसीलियम का, यानी न्यू आप लोगों के फंगल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बाय वर्डिंग मेथड इस यीस्ट के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर? आगे वाई फिजन और बाइनरी फिजन। फिजन इज द मोड ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। केवल इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पर बेटा जो बॉडी होगी, पेरेंटल जो बॉडी होगी, माइसिलियम होगा बेटा, वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर टू इक्वल पीसेज के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंशिएट होता है, और वो जर्मिनेट होकर न्यू बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके वाई फिजन, बाइनरी फिजन, फंगल सेल वॉल इज रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट मीन्स हम लोगों ने यहाँ क्या डिस्कस किया है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय वर्डिंग, बाय फिजन और बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट मोड की ओर चलते हैं, और वो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो प्लांट के अंदर जो बेटा एसेक्सुअल यूनिट होंगी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट बाय द एसेक्सुअल यूनिट, और प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल यूनिट होती है बेटा वो होती है आप लोगों के स्पोर्स। वो क्या होती है? स्पोर्स होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन फंगल फंजाई के अंदर डेवलप होते हैं, और इन स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो वाई माइटोटिक डिवीजन होता है। वाई माइटोटिक डिवीजन स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और फंजाई के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होगा, जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट इज द बाय स्पोरेंजियो स्पोर्स, बाय कॉनिडिया, बाय ऑइडिया, और लास्ट फोर्थ अदर इज द बाय क्लेमाइडो स्पोर्स। क्लियर? बाय स्पोरेंजियो स्पोर्स, बाय कॉनिडिया, बाय ऑइडिया, बाय क्लेमाइडो स्पोर्स कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, और वो डिस्कस करते हैं बाय स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर्स की बात हम लोग करते हैं तो बेटा स्पोरेंजियो जो स्पोर्स होते हैं, उन स्पोरेंजियो स्पोर्स का जो डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होता है, वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। तो स्पोरेंजियो स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन इन स्पोरेंजिया होगा, और इन स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो माइसीलियम के एपिकल टॉप पार्ट पर होता है, एपिकल पार्ट ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के एपिकल पार्ट पर इन स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा, और इट इज नाउन एज द स्पोरेंजियो फोर के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होती है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंट मेनी क्या होंगे,
स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप होते हैं। जैसे ही स्पोरेंजिया का बेटा क्या होता है, ब्लास्ट होता है, दही सेंस ऑफ स्पोरेंजिया होता है, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर क्या होंगे, रिलीज हो जाते हैं और उनका क्या होगा बेटा, जर्मिनेशन होता है। इनका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के आफ्टर न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है और यही रिप्रोडक्शन होता है। इट्स सेल्फ बॉडी को जनरेट करना, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है बेटा। तो वाई स्पोरेंजियोस्पोर हम लोग देखते हैं इस तरह से फंजाए के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द जूस्पोर्स और सेकेंड अदर जा एप्लानू स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं बेटा ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो जो स्पोरेंजिया के अंदर होगा, वही कंसेप्ट आएगी, केवल कन्वर्टेशन लैंग्वेज में करना है। जो स्पोर्स आर डेवलप्ड या फॉर्म्ड इन द जो स्पोरेंजिया और जो स्पोरेंजिया इज फॉर्मेशन ऑन द जो स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? ऐसे ही हम लोग बात करते हैं एप्लानोस्पोर, तो एप्लानोस्पोरेंजिया के अंदर ये डेवलप होंगी और एप्लानोस्पोरेंजियोफोर पर इनका फॉर्मेशन होगा। वही मेनी डेवलप होंगे, उनका जर्मिनेशन होगा, आफ्टर जर्मिनेशन न्यू माइसीलियम डेवलप हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स फंजाई के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मेथड हम लोग जो डिस्कस करते हैं बाय कॉनिडिया, इंपॉर्टेंट क्योंकि 12th NCERT लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज के अंदर भी इसका इन्फॉर्मेशन अकाउंट वहाँ मेंशन है, इसलिए भी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूनिट थर्ड के अंदर भी आप लोगों के 12th के अंदर इसका मेंशनेशन है, तो अच्छा कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है कॉनिडिया के अंदर। तो बाय कॉनिडिया क्या होता है बेटा, कि जो एक चीज़ और कंसेप्ट यहाँ याद रखना बेटा कि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, इसका मतलब इनसाइड डेवलप होते हैं। इन स्पोर्स का फॉर्मेशन इनसाइड स्पोरेंजिया डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ओरिजिन के बेस पर ये कैसे होते बेटा, एंडोजीनसली, याद रखना है आप। और यहाँ कॉनिडिया की बात हम लोग बेटा करते हैं तो ये आपके माइसीलियम है। इस माइसीलियम पर इस तरह से हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये क्या बनता है, कॉनिडियोफोर बनता है। इस माइसीलियम पर क्या बनेगा आप लोगों के, ये क्या है, ये माइसीलियम है, फंगल बॉडी है, और ये आपके कॉनिडियो फोर हैं जिनके ऊपर चेन फॉर्म में, एक सिंगल चेन के फॉर्म में एक राउंडेड या ओवल शेप की स्ट्रक्चर स्पोर डेवलप होते हैं, इट इज नाउन एज द कॉनिडिया। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस तरह से ये राउंडेड फॉर्म में बेटा क्या डेवलप हो जाएंगे, एक चेन फॉर्म इनकी चेन बनती है, इट इज़ द कॉनिडिया। तो कॉनिडिया का डेवलपमेंट बेटा चेन फॉर्म में कॉनिडियो फोर के ऊपर होता है, कॉनिडियो फोर का डेवलपमेंट माइसीलियम के ऊपर होता है। इसका मींस ये देखें तो इनसाइड हो रहा है डेवलपमेंट या आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है ना, तो यहाँ बात करेंगे आउटसाइड की क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं इनसाइड होता है। इस तरह से ही हम लोग देखते हैं कि आपके स्पोरेंजिया डेवलप होती है। अब स्पोरेंजिया के अंदर ये इस तरह से स्पोर होते हैं, तो ये तो इनसाइड हो गया इसलिए एंडोजीनसली ओरिजिन हो गया, और ये एक्जोजीनसली होते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो पेनिसिलियम के अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये वाई कॉनिडिया कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वाई ओइडिया। क्लियर? तो ओइडिया की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो ओइडिया क्या है, ये भी आप लोगों के फंजाई के अंदर, फंगल सेल के अंदर, फंजाई के अंदर डेवलप होने वाले एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल यूनिट होती हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रिशन की मैक्सिमिटी में होता है, जहाँ शुगर मीडिया होगा वहाँ इनका फॉर्मेशन मोर डेवलप होता है, मोर फॉर्मेशन होगा शुगर मीडिया के अंदर, इनका मेजर डेवलपमेंट होता है। आगे बात करते हैं बाय क्लेमाइडो स्पोर्स। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं बाय
क्लेमाइडो स्पोर्ट्स, वाई क्लेमाइडो स्पोर्ट्स हम लोग डिस्कशन करने वाले बेटा। वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या होगा आप लोगों के, एक थिक वॉल्ड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है और ये थिक वॉल्ड क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और थिक वॉल्ड स्पोर्स इज नाउन एज द क्लेमाइडो स्पोर्स। इस तरह से वाई स्पोरेंजियो स्पोर, वाई कोनिडिया, वाई ओइडिया, वाई क्लेमाइडो स्पोर्स, फंगल सेल वॉल इज रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर किया बेटा? एनी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो वाई गैमेट्स होता है, और गैमेट का यहाँ हम लोग देखते हैं कि फंजाई के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गैमेटिंजिया के अंदर होगा। गैमेटिंजिया यहाँ जो होते हैं वो गैमेटिंजिया मेल और फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल गैमेटिंजिया में होगा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटिंजिया में होता है। इन फंजाई मेल गैमेटिंजिया इज नाउन एज द एंथ्रिडियम एंड फीमेल गैमेटिंजिया इज नाउन एज द उगोनियम। क्लियर? तो यहाँ हम लोग बेटा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो बाय गैमेट्स होता है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो इन गैमेटेंजिया होता है। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन फंजाई, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग थ्री स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री स्टेज के अंदर क्या होगा बेटा, कंप्लीट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉलोइंग क्या होती है बेटा, थ्री स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज इज द प्लाज्मोगेमी, सेकेंड स्टेज इज द कैरियोगेमी, और थर्ड स्टेज इज द मियोसिस। थर्ड स्टेज इज द मियोसिस, फर्स्ट इज द प्लाज्मोगेमी, सेकंड इज द कैरियोगेमी, थर्ड इज द मियोसिस। ये हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, वन बाय वन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज होती है इट इज द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा बेटा कि इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर टू सेपरेट क्या होती है बेटा आप लोगों की, ये सेक्स सेल होती हैं, जनरेटिव सेल होती है। इन जनरेटिव सेल के बिटवीन बेटा क्या होता है, फ्यूजन होगा। ये जनरेटिव सेल यानी ये जो सेक्स सेल हैं, सेपरेट सेक्स सेल हैं, ये आपस में क्या होती है बेटा, फ्यूज होती हैं। केवल इनका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, और साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन इज नाउन एज द प्लाज्मोगेमी। यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, केवल ये सेल आपस में फ्यूज होंगी और इनके अंदर इस तरह से टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेज बनेगी सिंगल सेल के अंदर टू न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होगा, इट इज द बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, बाई न्यूक्लिएट या डाई कैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो बाय प्लाज्मोगेमी डाई कैरियोन स्टेज डेवलप होती है। अब आगे क्या होगा बेटा, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मीन्स होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, गेमी मीन्स होता है फ्यूजन। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, इस डाइकैरियन स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद इस सिंगल सेल के अंदर इस तरह से ये टू एंड स्टेज आ जाएगी, डिप्लॉयड सेल बन जाती है। क्लियर? और इस डिप्लॉयड जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, सिनकैरियन स्टेज बोल देते हैं, सिनकैरियन। अब इस सिनकैरियन स्टेज के अंदर आगे क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। अब मियोसिस होगा तो इनका जो न्यूक्लियस जो फ्यूज हुआ था वो आपस में वापस से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वापस से रीस्टेज बन जाती है। अब इनमें बेटा क्या होगा आगे, हम लोग देखते हैं कि आगे नेक्स्ट जर्मिनेशन के बाद ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो गई। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग थ्री स्टेज के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्लियर? आगे बढ़ें, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं बेटा हम लोग। तो मेथड हम लोग देखते हैं कि जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन फंजाई के अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो फॉलोइंग मेथड से कंप्लीट होता है।
फर्स्ट मेथड हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं वो आपके गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। वाई गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होगा बेटा कि जो आप लोगों के डिफरेंट माइसिलियम होते हैं, क्या होंगे डिफरेंट जो माइसिलियम होते हैं उन माइसिलियम के ऊपर क्या डेवलप होगा बेटा, आप लोगों के डिफरेंट माइसिलियम के ऊपर। माइसिलियम क्या होते हैं, व्हाट इज द माइसिलियम, व्हाट इज द माइसिलियम, माइसिलियम इज द फंगल बॉडी। तो ये जो बेटा आप लोगों के फंगल बॉडी है, ये फंगल बॉडी है, ये माइसिलियम है। तो सेपरेट माइसिलियम के ऊपर बेटा, ये सेपरेट माइसिलियम है, इन माइसिलियम के ऊपर आपके गैमेटेंजिया डेवलप होंगे बेटा। गैमेटेंजिया ये इस माइसिलियम के ऊपर मेल गैमेटेंजिया एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम के फॉर्म में डेवलप होगा, और इस माइसिलियम पर फीमेल गैमेटेंजिया ऊगोनियम के फॉर्म में डेवलप होगा बेटा। अब एंथ्रिडियम के अंदर एंथ्रोजॉइट्स मेल गैमेट डेवलप होंगे और ऊगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट एग सेल के फॉर्म में डेवलप होते हैं बेटा, क्लियर। अब हम देखते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, गैमेट है इट मीन्स सेल है, सेल है इट मीन्स न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर बेटा मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, इधर क्या होगा बेटा फीमेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कैस ये एन हो गया, ये एन हो गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एंथ्रिडियम होगी वो एंथ्रिडियम आगे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ग्रो क्या करेगी, ऊगोनियम के कॉन्टैक्ट में आती है। एंथ्रिडियम इज कॉन्टैक्ट, एंथ्रिडियम का जो कॉन्टैक्ट होता है वाई ऊगोनियम वो होता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। उस ट्यूब के थ्रू ये आपस में रिलेशन में आती है और उसके बाद ये अपने मेल गैमेट को यानी मेल न्यूक्लियस को इस ऊगोनियम के अंदर रिलीज कर देती है। जब रिलीज करेगी तो इनका न्यूक्लियस आपस में बेटा फ्यूज होगा, इट मीन्स कैरियोगेमी होगी, और कैरियोगेमी होगी इट मीन्स आगे जब ये आपस में फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने के बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का या ऊ स्पोर्स का, ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ऊ स्पोर और जाइगोट इज द डिप्लॉयड, क्योंकि एन एन डिप्लॉयड स्टेज बनेगी। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे आगे मियोसिस होगा, मियोसिस के आफ्टर म्यूसिस होता है, म्यूसिस के आफ्टर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, और इनके जर्मिनेशन के आफ्टर वापस से माइसिलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फंगल सेल के अंदर बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। केवल यहाँ आपको माइंड में एक थॉट याद रखनी बेटा कि इस मेथड के अंदर बाय कॉन्टैक्ट में जो मेल और फीमेल गैमेटेंजिया आपस में फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू क्या होती है, कॉन्टैक्ट में आती है, जबकि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हम लोग जो मेथड डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड क्या है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन तो इसके अंदर बेटा जो गैमेटेंजिया है वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है विदाउट फर्टिलाइजेशन ट्यूब, उनका क्या होता है आपस में कॉन्टैक्ट होता है, वे फ्यूज होती हैं, और फिर वही आप लोगों के थ्री स्टेज के अंदर हम लोग देखते हैं क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कैसे होता है डायग्रामेटिक समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये बेटा आप लोगों के सेपरेट सेपरेट क्या है, माइसिलियम है, इस तरह से ये माइसिलियम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइसिलियम जो आप लोगों के होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गैमेटेंजिया डेवलप होंगी इसमें सेपरेट सेपरेट माइसिलियम पर होंगे। सबसे पहले क्या होगा आप लोगों के माइसिलियम का जो एपिकल वाला पार्ट होगा, ये आप लोगों के माइसिलियम का सपोज करो क्या है, एपिकल वाला पार्ट है, इस तरह से ये माइसिलियम का क्या है, एपिकल वाला पार्ट है। ये एपिकल वाला पार्ट आउटग्रोथ करता है, और आउटग्रोथ करने के बाद इस तरह से ये आप लोगों के आउटग्रोथ करेगा, ये आउटग्रोथ कर दिया जिससे गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये गैमेटेंजिया बेटा आपस में कॉपुलेट होती है, आपस में फ्यूज होती है डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन ट्यूब। वहाँ पर तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वहाँ इस तरह से ये आप लोगों के एंथ्रिडियम बनती हैं, तो इस तरह ये आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या बनती है आपके, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू
उस ऊगोनियम के कॉन्टैक्ट में आती। क्लियर? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से उसका कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ये डायरेक्ट आपस में क्या होती है बेटा, फ्यूज होती है। इस तरह से क्या हो जाता है इन दोनों गैमेटेंजिया का, मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया क्या हो जाती है बेटा, फ्यूज हो जाती है। रफली डायग्राम बना रहे हैं पर लोग समझने के लिए, इस तरह से फ्यूज हो जाती है। जब फ्यूज होंगी तो इनके अंदर मैनी क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होगा, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया आपस में तो हम लोग आगे स्टेज देखते हैं, इस तरह की स्टेज डेवलप हो जाती है। ये इस तरह से आगे हम लोग स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट आपस में जब इनके गैमेट न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद इस तरह से ये आपके जाइगोट या जू स्पोर्ट्स का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन होता है और उनमें मियोसिस होगा। जू स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस के आफ्टर स्पोर्ट्स बनेंगे, स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्ट्स के अंदर बेटा क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा जिससे वापस से माइसिलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, माइसिलियम का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? तो केवल आप लोगों को गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटियल कॉन्टैक्ट के अंदर केवल एक मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या याद रखना है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो मेल गैमेटेंजिया फीमेल गैमेटेंजिया है वो जो कॉन्टैक्ट में आएंगी वो वाई फर्टिलाइजेशन ट्यूब आती है, जबकि कॉपुलेशन में डायरेक्ट मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है बेटा। क्लियर? ये आपको याद रखना। बाकी के थ्री जो स्टेज हम लोग याद रखते हैं वो आपके फर्स्ट प्लाज्मोगेमी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ये थ्री स्टेप 100% होगी। क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, डाइकेरियन स्टेज आएगी, कैरियोगेमी होगी, आफ्टर मियोसिस होगा, जर्मिनेशन होगा, माइसिलियम बनेगा, बस ये एक साइकिल चलता रहेगा। इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के फंजाई के अंदर इन थ्री मेथड से वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने आज टूडे रिप्रोडक्शन इन फंजाई टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।